हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सब ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया कि मैंने सोचा क्यों ना आज एक फेस कैम वीडियो बनाई जाए और आप सबसे डायरेक्ट मिला जाए। फ्रेंड्स, मैंने आज की वीडियो उन सभी लोगों को थैंक यू बोलने के लिए बनाया है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या फिर मेरे चैनल पर आकर मेरे वीडियोज़ को देखे हैं। फ्रेंड्स, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहेंगे और मेरे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम प्लांट्स को लगाएंगे बिल्कुल ही नए और अनोखे तरीके से। नया और अनोखा इसलिए क्योंकि इसके लिए ना ही हम पॉट को यूज़ करेंगे और ना ही वाटर को। फ्रेंड्स, ये है कोकेडामा, ये जापान का है। फ्रेंड्स, इसे पुअर मैन प्लांटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी खर्च नहीं आता है और ये उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनके पास जगह नहीं है प्लांट को लगाने की। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके सारे ही स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी स्टेप मिस होने से आप कोकेडामा अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं कोकेडामा। इसके लिए आपको चाहिए पॉटिंग मिक्स। पॉटिंग मिक्स को पानी डालकर गीला कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने इसमें लिया है 40% गार्डन सॉयल, 40% कोकोपीट और 20% कंपोस्ट। अब इस सबको एक बॉल के शेप में बनाएंगे। अगर मिट्टी आपको सूखी लग रही हो या फिर मिट्टी आपने कम गीली की हो तो आप इसमें और पानी डालकर इसे अच्छे से गीला कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब इस मिट्टी से एक बॉल बना लीजिए। फ्रेंड्स, बॉल ऐसी होनी चाहिए जिसको अगर हम रखें तो उसकी मिट्टी निकले नहीं। बॉल तैयार करने के बाद इसको हम बीच से क्रैक कर देंगे। इट मींस कि इसे हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे। अब मैं हाथ को थोड़ा सा धो लेती हूँ और उसके बाद हम अपने प्लांट को तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सा जेट प्लांट है जिसकी हम आज कोकेडामा बनाएंगे। इसे क्रासुला भी कहते हैं। सबसे पहले इसे पॉलीबैग से बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स, की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आप किसी प्लांट को रिपॉट कर रहे हो और उसकी मिट्टी ऐसे ही हार्ड हो तो उसे ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा, इससे इसकी जड़ें इफेक्ट हो सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे थोड़ा सा गीला कर लिया है पर फिर भी ये काफ़ी हार्ड है। इसके लिए फ्रेंड्स, एक मग में पानी लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए इसमें छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद ऐसे हम हिलाएंगे तो इसकी सारी मिट्टी पानी में रह जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी काफ़ी हद तक मिट्टी निकल गई है। अब इसको हमने जो बॉल्स बनाई थी उसके मिडिल में रखेंगे और इसको कवर करके हम एक अच्छी सी बॉल तैयार कर लेंगे। अगर आपको मिट्टी कम लगे तो आप इस टाइम और मिट्टी ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉल बनकर तैयार हो गई है। अब हम लेंगे टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर की जगह आप प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें यूज़ तो मॉस का होता है पर मॉस मुझे अवेलेबल नहीं हो पाई इसलिए मैं ले रही हूँ कोको कॉयर। आप इस कोको कॉयर को इस टिश्यू पेपर के ऊपर अच्छे से फैला लीजिए। मॉस या कोको कॉयर हम इसमें इसलिए यूज़ करते हैं कि इसकी मिट्टी बाहर ना निकले और इसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे। कोकेडामा में सकलेंट प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। इसके बाद हम अपने प्लांट को मिडिल में रखेंगे और टिश्यू पेपर को फोल्ड करते हुए इसको चारों तरफ से लपेट लेंगे। टिश्यू पेपर अगर निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसे रस्सी से बांधने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से दबा कर कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप एक रस्सी लेकर आप इसे रफली पहले बांध लीजिए ताकि इसकी कोको कॉयर बाहर ना निकल जाए। रफली बांधने के बाद फ्रेंड्स, हम इसी रस्सी से इस पूरे कोकेडामा को कवर करेंगे। ये देखिए, आपको इस तरह से इसे कवर करना है। आप अपनी पसंद से इसको कवर कर सकते हैं। ये पूरा कवर होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा।
आप इसे किसी भी पैटर्न में कवर कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब इसकी जो लास्ट में बचा है इसे हम इस तरह से बांध कर एक्स्ट्रा रस्सी को काट देंगे। ये अब कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे हैंग करने के लिए आप किसी भी हुक से इसको फंसा सकते हैं और इसे हैंग कर सकते हैं, या फिर आप एक ऐसी रस्सी को काट कर दोनों साइड इसमें इस तरह से नॉट लगा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ नॉट लगा ली है। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है और आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। हमारा कोकेडामा बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे कोकेडामा को पानी देना है या फिर खाद देनी है, इसकी कैसे केयर करनी है और इसको कैसे डेकोरेट करना है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।